तीन हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें। ये ऐड याद है आपको, टीवी में आता था और टीबी के लिए आता था। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि आज हम ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं, एक ऐसा संक्रामक रोग जो कभी जानलेवा हो सकता था लेकिन आज इसका इलाज संभव है। टीबी का बैक्टीरिया सांस लेने से फैलता है, यानी कि एक संक्रामक रोग है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। हम जो भी छींकते हैं, खांसते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया निकलता है वो जहाँ भी पड़ेगा उसको टीबी ज़रूर हो जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं कि बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बहुत सारे लक्षण हैं जो पहले से ही दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि सीने में दर्द का होना, तीन हफ्ते से ज़्यादा खांसी का होना, वज़न का लगातार गिरते चले जाना, भूख ना लगना, अचानक से रात को पसीना आ जाना, बुखार आ जाना और कमज़ोरी बढ़ते चले जाना। अगर ये लक्षण है तो टीबी हो सकता है। टीबी का बैक्टीरिया वैसे कहते हैं बड़ा ही पावरफुल होता है। जैसे ही टीबी का कोई पेशेंट आपके सामने खांसता है या छींकता है, जो कण निकलते हैं वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से फैल जाता है। और ख़ासतौर से अगर कोई बीमारी है, जैसे कोई कैंसर पीड़ित है, किसी को एड्स है, या फिर किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, तो टीबी के फैलने का खतरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है या आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो आप जब भी बाहर जाएं मास्क लगा के ज़रूर जाएं और हो सके तो लोगों से दूरी ज़रूर बना के रखें। टीबी का इलाज वैसे तो पूरी तरीके से संभव है, लेकिन हाँ, बीच में इसका इलाज आपको बिल्कुल अधूरा नहीं छोड़ना है, वरना ये बढ़ते हुए जानलेवा भी हो सकता है। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं और घर में किसी को टीबी की बीमारी है, तो खास तौर से उसको ज़रूर दूर रखना है, क्योंकि जितनी लो इम्यूनिटी होगी टीबी के होने का खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे तो सरकारी अस्पतालों में इसका मुफ्त इलाज भी होता है और इलाज पूरी तरीके से सफल भी होते हैं, लेकिन हाँ, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।